सनाज रसोई को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को प्रेस कीजिए, उसके साथ ही बेल आइकॉन है घंटी का निशान, उसे भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लौकी और चना दाल की सब्ज़ी। बहुत ही डिलीशियस बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और आप इसे रोटी पराठा चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लौकी चना दाल की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में एक टेबल स्पून एक बड़ा चम्मच ऑयल लिया है सरसों का और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। चार लौंग ली हैं, वन टी स्पून एक छोटी चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। अब हम इसे ऐड करेंगे ऑयल के अंदर और इसको थोड़ा सा तड़कने देंगे। तो बस हमें इतना ही इसको पकाना है। अब इसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप कर लिया है उसे ऐड कर लिया मैंने यहाँ पे। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो बस ये प्याज हमारा फ्राई हो गया है, इससे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे, एक छोटी चम्मच अच्छे से भर के मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है। तो एक से दो मिनट के लिए हम लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेंगे, जिससे इसकी कच्चेपन की स्मेल जो आती है वो निकल जाए। तो बस इसको मैंने एक मिनट के लिए भुना है और ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब इसके अंदर हम लौकी ऐड करेंगे, ये हाफ के जी लौकी है, आधा किलो लौकी है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश किया है और उसके बाद मैंने इसे छील लिया है और उसके बाद मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसको एक से दो मिनट के लिए मसालों के साथ चला देंगे। फ्लेम को अभी हम मीडियम रखेंगे। इस तरह से आप सब्ज़ी को फ्राई करते हैं तो इसका टेस्ट और अच्छा आ जाता है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, एक छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पे लिया है। उसके बाद हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे एक चम्मच, आधा चम्मच हमने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर लिया है, आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। ये मैंने चना दाल ली है, इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था, आप इसे दो घंटे के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है। चना दाल को अच्छी तरह से वॉश करें और उसे फिर भिगो के रख दें आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा दो घंटे के लिए भिगो लें और कम टाइम है तो आप इसे आधा घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। दाल को डालने के बाद अच्छी तरह से चलाएँगे एक से दो मिनट के लिए, फ्लेम को लो रखना है। मसाले हमने ऐड कर लिए हैं, मसालों को अच्छी तरह से कुक करना है। बस अब मसाले भी हमारे कुक हो चुके हैं। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेंगे और उसे रफली चॉप कर लेंगे और वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। तो हमने यहाँ पे सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, सिर्फ हमने नमक यहाँ पे ऐड नहीं किया है। तो अब लास्ट में हम नमक ऐड कर लेंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर लेंगे इसे। और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तो पानी हमें इतना ऐड करना है जिससे दाल भी कुक हो जाए हमारी। तो तकरीबन आधा कप पानी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, आधा कप और ऐड कर रही हूँ, यानी टोटल एक कप पानी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो पानी इतना होना चाहिए जिसमें लौकी और दाल इस तरह से कवर हो जाए। और अब इसमें हम 5 से 6 सीटी आने तक कुक कर लेंगे। तो इसमें मैंने तकरीबन 6 विसल आने तक कुक कर लिया है और ये देखिए हमारी दाल अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। बस अब इसको फ्लेम को ऑन कर लेंगे और एक बार फिर से इसको कुक करेंगे।
और जैसे कि दाल भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी इसमें। और ये जो मॉइस्चर इसमें दिख रहा है इसको भी ड्राई कर लेंगे, पानी जो दिख रहा है इसे हाई फ्लेम पे पका के ड्राई कर लेंगे। ठीक है, देखिए 2 से 3 मिनट मैंने इसे कुक किया है, दाल अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब इसमें हम गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड किया है मैंने यहाँ पे। और अब ये हमारी सब्ज़ी बनके रेडी है, इसे कवर करके रख देंगे 4-5 मिनट के लिए और उसके बाद डिश आउट कर लेंगे। तो ये हमारी लौकी और चना दाल की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। आप इसे पराठे के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, या आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दें, शेयर करें वीडियो को। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।